माउंट की झमझमाहट के बीच में इतना अच्छा सुकून। आप यूँ सोचते हो ना तो सिर्फ सोचते रह जाते हो कि क्या है कुछ। आ जाओ भाई, पूरे आनंद के साथ घूमते। ये हमारी वो केप मिल गई है यार, अब तो हम जोकर लग रहे मस्त पैदल चल रहे, हल्की हल्की फुहार है और मौज की तो कोई कमी नहीं है। किसी भी हल्ले में कितना ही हवा वगैरह बजाती है, मौसम भी सब एकदम कुछ हटके अलग बन जाता है और हर जड़ फड़ में प्रकृति प्रसन्नचित हो रखी है। गाड़ियों वाले दौड़ रहे हैं, इसको दौड़ना और रुकेगा थोड़ी, मैं तो दौड़ेगा नहीं, रुक तो हो सकता है जिसके पास स्पेस हो। यहाँ बंगले बहुत सारे लोगों के पास, पर रुकने के लिए समय नहीं है क्योंकि काम में लगे। अच्छा पानी सब अपने आप में सकारात्मक उल्लास वाली जिला है। हमारा मोबाइल भी भाई काफ़ी साथ दिया है इसने, कुछ अच्छा यहाँ भगवान का वो आ रहा है। हम तो निकले ही, जब प्रकृति का आनंद लेने हैं तो आनंदित हो ही जाना चाहिए। अब इससे अच्छा आप क्या देखोगे या क्या जोरदार हवेली आई है। हमारे घर में लेटी स्टेशन है। अब हम आपको श्रावण महीने में महादेव जी के दर्शन है जो करवा देते हैं। मूतने गया था, अब इधर आगे जा रहा हूँ देलवाड़ा तक। नहीं, और अभय सिंह जी क्या हाल है? हमारे फकीरी मोह चैनल में आपका स्वागत है। देखो छोड़ना तो छोड़, ऐसे कमीने काली गाड़ी में काले आदमी आ ही जाते। आओ क्या ठाट बाट है भाई साहब? नहीं है, कहाँ चले भाई साहब की जरूरत नहीं है, सब है तो अपने, अपना राज ऐसे चलता रहना चाहिए। कहाँ कौन मिल जाता है पता नहीं, और जहाँ भी घूमते हैं ना अच्छे लगता है, कोई परिचित तो है, कोई ना कोई अजनबी बन के मिल ही जाता है। और यहाँ एक माँ अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल से लेके आ रही है या घुमाने फिराने ले जा रही है, पर है बड़ा अच्छा सा यूज। और यहाँ पे आज स्टैंड वाले कैमरे से हम थोड़ा सा वीडियो और बनाएंगे और ये छोटे छोटे बच्चों को दिखाते हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है गुड़िया, ठीक है? बारिश हो रही है ना, स्कूल नहीं जाते? स्कूल नहीं जाते कब? वेरी गुड, स्कूल जाके आइए बेटी, इसकी मम्मी लेके जा रही है। अच्छा लगा, जगह है, इतना सुंदर सीन है। आजा आजा, तैयारी, कोई अच्छा सा गड्ढा देख के कूदने का मूड है। हाय हाय हाय, कोई दोस्त पूछ रहा है कहाँ जा रहा है, मैंने कहा कोई अच्छा सा गड्ढा देख के छलांग मारने की इच्छा है। ये मेरे दोस्त रावताराम जी रेवारी, आपका फकीरी मौज में स्वागत है।
बताइए माउंट आबू के बारे में आपका कैसा है, मेरे प्रति आपका कैसा नजरिया रहता है, मैं जाने से बाद सुख लगता होगा? बहुत सुकून मिला आज आबू राज की पावन धरा में पधारे, आपके जैसे हमारे को दो चार और चाहिए भाई, ऐसे हो तो अलग ही हमारे आबू राज हो जाएगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये मेरे मित्र है और इस मित्रता के पीछे मेरी फकीरी मौज का मजा है। ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं जिन्हें स्वार्थ नहीं हो और प्रकृति से प्रेम करे। ये भोले की नगरी संतों का शिखर, यहाँ आपको बढ़िया से भगवान नीलकंठ महादेव के दर्शन आपने भी किए और यहाँ धर्मशाला राजपूत समाज की और जो कोई भगत जगत आवे तो उनके रुकने की व्यवस्था भी ठीक ठाक है। ये अपने दोस्त का ही विला है और माउंट आबू में एक से एक अच्छी जगह है, सबको मौका होना चाहिए देखने का। ये झूला, ये अच्छा सा छोटा सा गार्डन, ये सीढ़ी, ये आपको ऊपर का सीन दिखाते हैं। अपने क्या है, कोई यूट्यूब चैनल पे लगाते बाबा, तो कभी कभार क्या है मौका लग जाता है। बाकी तो क्या बच्चे देखते रहो, कोई सेट करते, क्या हाल है। बंगला छोटा है, रेड रूम है पर है बड़ा शानदार, और यहाँ से भगवान के दर्शन भी कर लो और सारा सिस्टम देखो तो बड़ा बड़ा प्यारा लगता है। ये आकाश बनी है जहाँ मैं और मेरी माँ कई बार स्पीच देते, ये फुलवारी है का, ये छोटा सा नज़ारा है आबू में। अभी देखो धूप आ गया, मौसम चेंज हो गया और ये सारा गार्डन बगीचा चेंज हो गया, बाहर का मौसम बहुत कुछ बदल गया। ये देखो और हम अभी क्या है रेस्ट कर रहे हैं। यार अबू आए तो थोड़ा रेस्ट जरूरी है, बनता है। पल मौसम है ना वो बदल जाता है। अपने बच्चे को लेके जा रहा है, आ गया है। ये कुटिया जिसमें मस्त गार्डन, छोटे छोटे चार रूम, अंदर ही किचन, मेरा दोस्त खाना बना रहा है। मैं आपको खाने में क्या बना रहा है वो दिखा देता हूँ। भाई क्या खाना बना रहे हो, क्या? अरे वाह, ये मेरा दोस्त है, अपने दोस्त के लिए खाना बना रहा है। और इसमें क्या दाल बनाई, और देखिए ये दाल। तो फकीरी मौज इसी को तो कहते हैं, जहाँ रुक जाए वहीं अपनी दुनिया, जहाँ मिल जाए वहीं दोस्त। और ये मित्र है, मित्र का मित्र मित्र ही होते। और तू क्यों चिंता कर रहा है, तो अगली बार जब कोई आए हो तो हमें बताना भाई। छींक आ गई अंदर, क्या खुशबू आई ना, उससे नाक में थोड़ा सा फर्क पड़ा। अभी आपको हम थोड़ा सा ये रूम राम की स्थिति दिखा देते हैं। छोटे छोटे रूम हैं और सिंपल से रूम, सिंपल सा लेट बाथ। हम यहाँ टीवी टावी तो देखते नहीं, लेट बाथ। हम अच्छे से इसमें रुके हुए कल से। आइए देखिए कांच में बड़े सुंदर दिख रहे हैं अंदर, क्या बात है। इसमें देखिए तो ये लीजिए,
सारी वीडियोग्राफी कांच में चल रही, दिख नहीं रहे कांच में तो सुंदर ही दिख रहे हैं। ये पुराना माउंट आबू का कई साल पुराना फोटो, और ये बाहर का एकदम मस्त गार्डन, जगह छोटी है, 10-5 मित्र आते हो तो यादगार बनने जैसी जगह है। और अभी ये गार्डन में बैठे थे, थोड़ी देर बाद जैसे बारिश होती है गार्डन में बैठे, जय होता है। मौसम तो बड़ा ज़बरदस्त है, देखो अब होगा तो कुछ मौसम ही निराला है। और अभी वापस बारिश चालू हो गई, ये देखो हल्की हल्की, ये कैमरा भीग जाएगा। कोई दोस्त आ रहा है, उसके वेट के चक्कर में हम भीग रहे, यार ये थोड़ी होता है। मौसम वाकई में ही जानदार है। ये देखो बारिश आते ही तुरंत छत्ता फेर लिया। राम राम साहब, कटम आया हो? हाँ। राम राम, कटम आया? मैं आया सुरुगंज। सुरुगंज रास्ता में बारिश है? नहीं है। नीचे बारिश है? नहीं, थोड़ी देर में खुला है, छिटा छाटी। देखो नीचे कहीं बारिश नहीं है और ऊपर बारिश का कोई अंदाज नहीं है, और बारिश भी बढ़िया वाली। अब हमारा दोस्त आ नहीं रहा, हम बरसों से भीग रहे, ये देखिए। अरे हम तो भीग रहे भीग रहे, हमारा कैमरा भीग गया। ना ना जोर है बारिश। कौन सा गांव है सुरुगंज के पास? अचपुरा। अचपुरा वो है ना हमारे जितेंद्र दास हेड साहब, जितेंद्र दास अचपुरा। एक वो हेमा देवासी गाड़ी वाला देवासी। ये देखिए आखिर आ ही गए, कुछ तो है। और राम राम साहब, जय तेजा बाबा की, तेजा बाबा की जय। भाई कहीं ना कहीं तो कुछ है, तेरे साथ कोई संबंध तो है। भानु सेठ है बड़ा। हाँ भानु सेठ है ना। हाँ तो सेठ को कहो आ जाए, भानु सेठ आ जाओ, और वो आपके लिए ही होटल खुलवाई। अरे आओ तो सही यार, काम तो कर लियो। अरे यार जब मैं मेरे घर में मेरे सदस्यों को नहीं बुलाऊं तो बुलाने से मतलब क्या हुआ? यहीं आप रोको और आओ। ये गौ माता भी यहाँ अपना आश्रय ले रही है, और ये सब सौभाग्य की बातें हैं कि बरसात में जानवर जीव जंतु सब को। और ये नागौर के जाट साहब बी.आर. चौधरी नाम है इनका। राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब। अपना तो कौन बनावा, अपना आप ही बनावा। चलो काज खुलो, किसी को हारे दे, आ जाओ। तो गांव आया हो कणा, हमारा चैनल है फकीरी मौज माउंट आबू। हम जाट कुचामन श्री नागौर के इंडाली गांव है।
खियाड़ा को नाम खूब सुने हो। हाँ, ना इनके चैनल का नाम हमने बदल दिया, वीआर चौधरी की जगह फकीरी मौज जाट कर दिया इन्होंने। हमारे चैनल की कॉपीराइट एक्ट हुआ है। ये वी आर चौधरी जब आ ही गया तो इसके साथ फिर हम वो अगले की गाड़ी, अगले का तेल, अगले की दुनिया साथ हमारा, हम चली गए। ये गाड़ी तो चला ही रहे, गाड़ी बड़ी अच्छी चलाते हैं। वैसे कहना पड़ेगा इस शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ कोई भी इंसान है ना, वो सलाह सुधारता तो जरूरी नहीं, पर सुधरता सुधर के तो रहता है। सबको पता है, बोले मैं कुछ गलती करूंगा, मेरे बच्चे मेरे से क्या सीखे। इसी लाइन के पीछे हम अभी आपको लकी लेक की तरफ लेके चल रहे हैं। और मौसम का तो हम आपको क्या बता रहे, ये तो जो यहाँ आए वो ही सोच सकता है कि इस मौसम की कीमत क्या है। और बताइए, अब कोई डायलॉग मारो, कैसे चौधरी साहब? बढ़िया साहब, बढ़िया। गाँव गणा गया? गाँव तो 15 दिन होगा। हाँ, गाँव खैर ज़्यादा काम भी होने, बट निनान कराना पड़े, जोर आवे पसीनो आवे। मास्टर नाडी वाले स्कूल में बनी, माउंट आबू में अनिश्चित काल के लिए धरना। समस्या तो है ही धरती पर, समस्या तो भारत में क्या है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में समस्या एक पार्ट है, वो चलता रहता है। हर कोई इंसान सरकार से खुश नहीं, फिर भी सरकार हमेशा रहेगी, सबसे बड़ी बात। विरोध नहीं होंगे तो सुधार नहीं, और सुधार सारे हो गए तो विरोध का मतलब ही क्या। ये आ गए हैं हम स्कूल ग्राउंड गेट पे। अभी हम आपको अच्छे से बोर्ड यहाँ से थोड़ा दिखाते हैं। हाँ, दिख गया शायद, अच्छा अच्छा दिख गया। हाँ, देखने वाला देख लेगा, नहीं देखने वाले का अपना बैठेगा, नहीं लेगा। हाँ, कालीन का देखो, आबू तो है, आबू है, कुछ कहना पड़ेगा। सेल्फी लेनू, एक वीडियो जाना तो तना ऐसे इंटरव्यू लगानो पड़े, लो नहीं तो मैं गवाऊंगा। अरे वो पुलिस वाला ठंड मूछ खा चाहिए, बड़ो आराम जान जो जान देनो। नमस्कार नमस्कार, थोड़ा सरका ले तो क्या पड़ रहा है, तो उधर आदमी मजबूत है तो क्या हुआ, चलेगा। अरे यार क्या बात, आपको देख के हमारी गाड़ी बंद होगी। बोलो, सोचो तुम कितने अच्छे हो। जी प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। हम फिर जा रहे हैं आबू में। बोल, मेरे घरानी का तो अब फोन है यार, कॉल गिर गई। हाँ आ गया, जा बजो, जा को निकल जाएगी क्या? गृहमंत्री का वेट, गृहमंत्री ये सोचे साला कितना कमीना है, वो लुगाएगा फोन नहीं उठाएगा भाई, जाट है भाई। हाँ नहीं नहीं, ये लगे ने हमारे धनी कुत्तो गणमरो है, फोन ही कुन्नो उठाए। उसको ये पता थोड़ी है कि बेचारा अभी फ्री हुआ है और कुछ ये भी अच्छे के लिए कर रहा है। अरे कहीं आइसक्रीम ठंडी है क्या? पक्का वादा? और क्या बात है, गुल्फी खाना खानी है आपने? गुल्फी पाचार, पाचार भाई, गुल्फी तो खमाला नक्की पर और गुल्फी नहीं खाई कहीं करियो। और मैं घर का कोई रिश्तेदार है आज का गेला तो गेला बनावा है, क्यों कहीं की बात ही करा, खर्च तो करियो कोनी। कोडे कोई है देवजीती सीधी लगा दियो, ये एकदम ही एकदम सीधी में जाओ, नहीं मुंडो उन मत करो। हां थानी ये लागे कि मैं मुंडा चेंज करू तो थाने कौन नखे।
बाकी गाड़ी को ताकत तो करनी पड़ेगी, चाहे पहले करवा लो चाहे बाद में करवा लो, ताकत गाड़ी को करनी पड़ेगी। इस गाड़ी को बता मुझे इसमें दल में निकलना है। और ये बात है, अब श्रीमती जी का बार बार फोन आ रहा है और हम है जो रुक नहीं सकते, और रुकने के साथ हम सुधर भी नहीं सकते, सुधरना हाथ में नहीं तो रुकना कहाँ की बात है। फिर भी आपको हम नक्की का छोटा सा नज़ारा थोड़ा सा दिखा देते ना, कल आप सब YouTube पे दिखोगे, अपने चैनल का नाम है फकीरी मौज माउंट आबू, कल सर्च करना। है न कि कुछ अपने आप में सबसे अच्छी चीज़ यही तो है, सबसे अच्छी चीज़ यह है महादेव।